सिद्धार्थनगर में हिंदू वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रशासन के लोगों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कोरोना से गांव-गांव में लोगों की जानकारी देने के लिए आधा दर्जन वाहन लगाने की बात की गई। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डुमरियागंज के तमाम लोग बॉम्बे व अन्य देशों में रहते हैं। जो लोग आ रहे हैं उन्होंने कहा है कि प्रशासन बाहर से आए लोगों की जांच कराए तथा तब तक उन्हें किसी स्थान पर रखा जाए जब तक उनकी जांच पूरी ना हो जाए। हमारे तहसील के प्रशासन के सभी अधिकारी SDM, CO, सभी थानाध्यक्ष, BDO, EO सारे लोग बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। पूरे तहसील क्षेत्र में आधा दर्जन से ऊपर गाड़ियां प्रचार प्रसार के लिए लगाई गई हैं। क्योंकि डुमरियागंज में बॉम्बे, सऊदीया अरब और बाहर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस पर क्या किया जा सकता है कि लोग आवे हैं तो उनकी क्या व्यवस्था किया जाए। तो अभी विचार विमर्श चल रहा है, इसीलिए हमने सारे अपने PSC CSC के डॉक्टरों को ही बुलाया है कि उनकी प्रथम दृष्टिया एक जांच हो जाए और कोई विद्यालय लेकर के उनको 2-4 दिन 6 दिन रहने की व्यवस्था भी कराई जाए, जिससे कि उस दायरे से अगर दिखता है कि बाहर आ गए हैं तब उनको घर भेजा जाए। इसीलिए हमारा पूरा डुमरियागंज तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सारे लोग बहुत सक्रियता के साथ, वैसे भी डुमरियागंज अति संवेदनशील इस मामले में है कि चूँकि सबसे ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं और बाहर से आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, कई कई बसों से दिल्ली से मुंबई से सबसे ज़्यादा यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ डाक बंगले पर बैठे भी हुए हैं कि आगे की क्या रणनीति।